फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम मेट्रो स्टेशन पे हैं, तो बाय ट्रेन हम जा रहे हैं सिस्टर की तरफ। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि विंटर वेकेशन हैं, तो आप बच्चों को लेके हमारी तरफ आ जाएं। तो हमने कहा कि चलो हम चलते हैं, क्योंकि बच्चे भी बोर हो रहे थे घर पे बहुत, और कोई ख़ास एक्टिविटीज़ भी नहीं है। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है शिद्दत की, और यहाँ पे अलाउ तो नहीं था वैसे ये व्यू दिखाना, लेकिन हम पाकिस्तानी अवाम कहाँ रुकने वाली हैं। सो मैंने दिखा दिया। यहाँ पे हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, तो समल बार बार आगे जा रही है और सारिम बेचारा उसके लिए बार बार पकड़ने के लिए आगे जा रहा है। तो ये ट्रेन आ गई और हम लोग बैठ गए। ट्रेन का सफ़र भी, मेट्रो ट्रेन का सफ़र तो बहुत ही अच्छा होता है। रश तो बहुत था, हम लोग पहले तो जब हम ट्रेन में एंटर हुए तो हमें खड़े होना पड़ा थोड़ी देर के लिए, फिर हमें बाद में सीट मिल गई थी, हम लोग बैठ गए थे। और उसके बाद ट्रेन में काफ़ी रश था और शोर भी था, इसलिए वहाँ पे मैंने साउंड ऑफ़ करके, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर लूँगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रेन बहुत साफ़ सुथरी है, और जब भी हमने मेट्रो ट्रेन का सफ़र किया तो हमने बहुत इंजॉय किया है। आपको कैसा लगा है आप सब भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हमारे व्लॉग्स को शेयर कर दें। यहाँ पे ये ट्रेन खुली थी, एक स्टेशन आया था उसके लिए यहाँ पे ट्रेन ओपन हुई है। तो आप देख सकते हैं कि अब रश काफ़ी कम हो गया। अब हम स्टेशन पर हम सिस्टर की तरफ आ गए थे, तो मैं ये दिखा रही हूँ कि वो हमारे लिए क्या कुक कर रही हैं। तो वो चिकन अचार बना रही थी हमारे लिए, और यहाँ पर तंदूरी रोटी के लिए वो डो बनाने जा रही हैं, और इसमें वो सॉल्ट ऐडेंगी और थोड़ा सा बेकिंग सोडा और ऑयल, और इसको जो है ना पानी से डो बना लेंगी इसकी। तो आपको साथ साथ मैं दिखाती रहूँगी कि कैसे उन्होंने ये सब बनाया। यहाँ पे सारिम कुछ बटन्स लगा रहा था, यहाँ पे सारिम डो के साथ लेकर आ रहा था, कुछ ये बटन्स लेके आया था, और डो आंटी ने इसको मंगवा के दी थी बाजी ने, तो उसके साथ ही लेकर आया था। यहाँ पे जमल खेल रही है बैठी डो के साथ इसने, यहाँ पे बस ऑल डो बनने ही वाली है, मेरी सिस्टर बना रही है मैं। और साथ साथ हम लोग बातें कर रहे थे यहाँ पे। हमारा स्टे तो वैसे 2-3 दिन का था, लेकिन मैं इतना व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि मेरे मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई थी। वे छोटे छोटे जो मैंने क्लिप्स थोड़े बहुत ले सकी वही, और कुछ मैंने अपनी सिस्टर से लिए थे। यहाँ पर हमने डो बना के तो तंदूरी रोटी भी बना ली थी, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही यम्मी और सॉफ्ट बनी थी ये। यहाँ पे सिस्टर बना रही हैं और मैं खड़ी होकर मज़े से व्लॉग बना रही हूँ। हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। यहाँ पे बच्चे सब बैठे हुए हैं, लाइट चली गई थी यहाँ पे, तो ये छोटा सा क्लिप यहाँ पे सारी ने लिया हुआ, और बच्चों ने खूब इंजॉय किया 2-3 दिन खूब, और फिर हम लोग घर आ गए। जमल नहा के तो आज नीली हो गई थी, आज इतनी ठंड है लाहौर में, बहुत ही ज्यादा सर्दी हो रही है शिद्दत की। ये क्या पकड़ा हुआ जमल आपने? पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जमल ने अभी पोनी भी नहीं करवाई, बाल इसके खुले ही हैं अभी इसके। दिखाओ जमल अपने नेल्स, दिखाओ दिखाओ, इतने बड़े बड़े इसके नेल्स हो रहे हैं। नेल्स नहीं कट करवाती, नहीं गंदी बच्ची है जमल, बहुत गंदी बच्ची है। यहाँ पर सारी देखे स्कूल जाएंगे आप? ना। क्यों? जाओगे। पहले डिसाइड तो कर लो, जाओगी कि नहीं जाओगी? जी जाओगी। जाओगी? कब जाओगी? 2 बजे। 2 बजे जाओगी? ये पाकिस्तान वाला टूरिंग गाड़ी। अच्छा, फीडर पी लिया समझ नहीं, और अब उसके ऊपर कह रही मैं पाकिस्तान लगा रही हूँ फीडर पे। ओ, ये क्या किया है टेबल पे? ये जमन ने किया है, गंदी बच्ची ने। शादी ने किया है। आपने किया है? तो मैं तुमने बड़ी ये क्या हंस रही हो क्या? मैं मजाक कर रही हूँ। नहीं, मीरब के ऐसे बोल रही थी भी। इसको जरा शर्म ही आती कि मेरी बड़ी आप ही है। जरा शर्म है तुम्हारे अंदर? शर्म है, शर्म गर्म। चलो पोनी करवाओ, आ जाओ पोनी करती हूँ। इधर आओ, इधर इधर। ये बाल नहीं बनवाती, नेल्स नहीं कट करवाती, बहुत गंदी बच्ची है। बाल इतने बड़े हो गए हैं और बाल बिखरे हुए इतने बुरे लगते हैं, और ये चुड़ैल बनी हुई है। ये चुड़ैल है?
हेलो गाइस, हेलो गाइस, हम वीडियो बना रहे हैं। हम वीडियो बना रहे हैं। किसकी वीडियो बना रहे हैं? सीधा रखो। अपनी? अपनी किसकी? मेरी। मेरी किसकी? मेरी। अच्छा, तुम्हारी आपी का क्या नाम है? चले। तुम्हारा क्या नाम है? चले। तुम्हारा नाम भी चले? ठीक। तुम बहुत अच्छी हो। किसने कहा है ये? मेरी। आपकी पोनी डन हो चुकी है। लुक। ओह माय गॉड, लुकिंग सो क्यूट। लुक एट द कैमरा। लाइट ऑन है। लाइट ऑन है। ये देखिए नेल्स इसके कट होने वाले हैं। अब संभल के नेल्स काटना भी एक मिशन है। लो बेटी, आप नेल क्यों नहीं कट करवाते? ऐसे नहीं करो। चलो बताओ ना, नेल क्यों नहीं कट करवाती? मुझे गंदा लगता है। क्यों गंदा क्यों लगता है? यम्मी, मुझे भी दो ना। अरे वो खा लिया। इधर तो आओ। पास ही नहीं आ रही कैमरा लेके खाना ले। थोड़ा सा देना, थोड़ा सा देना। ये सारा दे दो मुझे। सो इतना ज्यादा दे दिया, ले लो। यम यम यम्मी। ओ उसका मुंह पिंक हो गया है। ओह माय गॉड, इट्स सो डर्टी। याक, पता नहीं क्या लगा हुआ इसके ऊपर। जमन ये देखो, मिट्टी लगी हुई है सारी। जमन मिट्टी लगी हुई है। ओह माय गॉड, यम यम, परफेक्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ इस बेचारे का क्या हाल हो गया। होममेड बटर। ये बन रहा है घर का फ्रेश मक्खन। चेक करें। पर मम्मा यहाँ पर रोटी बना रही हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर का वेदर क्या हो रहा है, क्योंकि मम्मा तो रोटी बना रही हैं। मम्मा बाहर से कैसे शूट करेंगी, तो आज मम्मा की ड्यूटी मैं करती हूँ। जा रहे हैं कमरे में क्योंकि यहीं से तो टेरेस है। सो गाइस, आप यहाँ पर देखें कि मम्मा ने यहाँ पर सारे कपड़े डाले हुए हैं, क्योंकि बाहर टेरेस में तो कपड़े डालने भी तो खुश्क नहीं होते। सॉरी, ब्लर हो गया था। सो ये देखें आप, मम्मा ने यहाँ पर सारे कपड़े डाले हैं। तो अब हम चलते हैं टेरेस की तरफ। यह है टेरेस। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी मम्मा ने कपड़े डाले हैं बहुत ज़्यादा। और बाहर देखें वेदर, वो कैमरा के सामने आई जा रही है। सो देखें गाइस, आपको अभी भी कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ। देखें अब फुल ऑफ हो गया। देखें गाइस, बहुत फोग हो गया है। ये देखें, अभी मैं आपको शो करूँगी तो फोग इसके ऊपर आ जाएगी, आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर बहुत ठंड है, मेरे हाथ फुल रेड हो रहे हैं सर्दी की वजह से। देखें फुल रेड हो रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्टिल खड़ी हूँ, व्लॉग बना रही हूँ। सो प्लीज़ गाइस, इस व्लॉग को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी गली में कोई भी नहीं है इस वजह से, क्योंकि बहुत सर्दी है। सो चलें अब हम वापस चलते हैं। मैं अब अपना डिनर करने लगी थी, तो मैं आपको, मैंने कहा मामा की ड्यूटी पूरी कर दूँ। देखें पूरे कमरे में कपड़े डले हुए हैं, उस कमरे में भी कुछ कपड़े डले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो चलें हम चलते हैं। आप सर ने अब अपना डिनर कर लिया, लेकिन मैंने और मामा ने करना है अभी। साथ साथ मम्मा रोटी भी बना रही हैं, कपड़े भी धोई जा रही हैं, ड्रायर भी गई। और सर्दी में तो कपड़े जल्दी खुश्क भी नहीं होते हैं। इतना ठंडा हटा और मम्मा से रोटी बना रही है, मुझे तो देख के बहुत सर्दी लग रही है। यहाँ पर मम्मा रोटी में मक्खन लगा रही हैं, जो मम्मा ने खुद घर में बनाया था। और आपको भी मम्मा ने शायद दिखाया ही हो, मम्मा ने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, और अब मम्मा उसी की हमें रोटियां बना के देनी है। बहुत मज़े की है, बहुत आला, लेकिन मैंने अभी तक खाया नहीं है। सो गाइस, आप देखें मम्मा ये यहाँ पर सो रही है, इसको थोड़ा थोड़ा पसीना भी आया हुआ है, लेकिन व्लॉग में शो नहीं हो रहा होगा, बहुत गर्म हो रही है ये। सारे यहाँ पे कलेक्ट कर रही है अपनी पॉकेट मनी, और भी कह रहा था पैसा ही पैसा। मैं चलो मैं क्लिप बनाती हूँ। ये क्या कर रहे हो?
ये मैं अपने पैसे काउंट कर रहा था, ये मेरे पास मैंने अभी काउंट किया, मेरे लैपटॉप पे अपने कैलकुलेशन कर रहा था तो मेरे लेट नाइट मीरब ने हमारे लिए बनाई है पिंक टी। थैंक यू सो मच मीरब। मीरब थैंक यू सो मच फॉर पिंक टी। ये लाइट फ्लैश लाइट होना शायद कलर इसका प्रॉमिनेंट नहीं हो रहा तो वैसे फ्लैश लाइट ये चेक करें कलर आसान इंजॉय करते हैं ठीक। चले जी दोनों सुनाएंगे सोने की दुआ जो पढ़ रहे थे सारी जमल सुनाए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु शाबाश माशाल्लाह फी अमानल्लाह सो जी।